हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप मैं तो अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे ही होंगे। अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, शाम के 8 बजे मैं ये सब शूट कर रही हूँ। और आज मेरा जल्दी कुकिंग स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि मैं आज 2 आइटम्स बनाने वाली हूँ। एक तो नूडल्स बनाने वाली हूँ, वेजिटेबल नूडल्स बनाने वाली हूँ, दूसरा एक स्वीट डिश भी बनाने वाली हूँ। और ये एक ऐसी स्वीट डिश है जो कि मतलब कम इंग्रेडिएंट में जल्दी से हो जाता है, डेजर्ट के लिए ये पूरी तरह परफेक्ट है। तो मैंने इसके लिए चावल को रात से भिगो कर रख दिया था, तकरीबन रात को ही भिगो कर रख दिया था मैं अब सॉरी सुबह का भिगो कर रख दिया था मैं अभी इसे ग्राइंड कर रही हूँ। और मैंने एक तरफ तो मेरा एक ही बर्नर काम कर रहा है, दूसरा तरफ का काम नहीं कर रहा, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी में सब एक एक प्रिपरेशन कर कर रख रही हूँ, जैसे कि एक उतरे तो दूसरा चढ़ा सकूँ। इसीलिए मैंने नूडल्स बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के नूडल्स बॉयल कर रही हूँ। नूडल्स तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो कोई भी हर किसी का अलग अलग वे होता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ स्वीट डिश के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने कोकोनट मैंने उसे तो पेस्ट बना लिया है और कोकोनट को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जब नूडल्स बॉयल होकर निकाल दिया मैंने, तभी दूसरी तरफ दूध उबालने के लिए रख दिया। उस ग्लास में मैंने जितना चीनी लिया था उतना ही चावल लिया था। तो जब दूध भी मैंने 1 लीटर के आसपास लिया है, जब दूध 80% मतलब बॉयल होने के तकरीबन आ गया, तभी मैंने कोकोनट पीसेस एंड सॉल्ट और चीनी मैंने उसमें डाल दिया। और देखिए अब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, मैं इसी से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे से डाल कर उसे मिक्स करूँगी। और मैं इसे एक हाथ में मोबाइल पकड़कर दूसरा हाथ से शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने तभी थोड़ा सा मोबाइल को पॉज कर दिया था। तो इसका कंसिस्टेंसी देखिए, जब ये हाई फ्लेम में ही बनेगा, इसकी कंसिस्टेंसी जब वैसे बन जाएगा तब आप बंद कर दीजिएगा। और इसे जितना चिल सर्व करेंगे ये उतना टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर चखिएगा। और मैं नूडल्स में तो नॉर्मल ऑनियन फ्राई करके बीन्स कैरेट एंड कैबेज तो डालती ही हूँ, ये तो सभी डालते हैं, बट मैं पोटैटो इसीलिए एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को नूडल्स पसंद नहीं है उतना, बस वो पोटैटो डालती हूँ तो वो थोड़ा सा खुशी से खा लेता है। बस मैं अभी वेजिटेबल्स को फ्राई करके नूडल्स को बॉईल करके रखा है उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और क्या, उसके लिए मैं अलग से फ्राई करती हूँ, मैं हमारे लिए चिली सॉस डालती हूँ पर उसके लिए चिली सॉस नहीं डालती, वो तो थोड़ा भी तीखा नहीं खा सकता। और मैं आज ज़्यादा क्वांटिटी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि और जल्दी भी इसीलिए बनाने हो क्योंकि रात को डिनर के लिए नूडल्स और वो दूध का खीर अपने ससुराल भी भेजूँगी। गुड नून फ्रेंड्स, अभी 2 बज रहे हैं लंच के, मतलब 2 बज रहे हैं। तो मैं अभी, आज सैटरडे है इसीलिए मेरे बेटे को स्कूल सुबह 11:30 को उसे स्कूल से आ जाता है वो, इसीलिए मैं 11 o'clock को चली गई थी। और रात को मैंने जो चाउमीन बनाया था वही सुबह हम लोगों ने टिफिन खा लिया, तो मैं चली गई थी और अभी 1:30 बजे घर आ रही हूँ। और थोड़ा सा बैंक में काम था, जाकर आई हूँ। तो इतना धूप है ना, कल बारिश हो रहा था और आज इतना धूप है कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। और मैं जाकर फ्रिज से पानी की बॉटल लेकर आई और आप लोगों से बात करने के लिए चली आई। तो आज लंच मैं अभी क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ। लंच में क्या बना आज? मैं थोड़ी सी थकान हुई इसीलिए सो गई, बट सोकर पानी पीऊंगी तो ऊपर से खांसी जोर से खांसी आ जाती है। और आज मैं लंच में राइस नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट डोसा।
राइस मैंने सुबह ही 9 बजे भिगो कर रख दिया था और करी में बना कर चली गई थी। और अभी मैं कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे चावल के साथ मिक्स करके ग्राइंड करूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के डोसा बना दूंगी, डोसा बैटर बनाकर डोसा बना दूंगी। और वो खा रहा है, मेरा बेटा स्कूल से आकर टीवी देख रहा है और मैंने उसे टेबल्स 1 to 20, 2 to 21 तक उसे लिखने के लिए दे दिया है। और वो कस्टर्ड एप्पल खा रहा है। आप लोगों ने टेस्ट किया? और आप लोग सोच रहे होंगे हम 3 लोग होते हैं, इतने इतने क्वांटिटी में ये खाना बनाती है, इतना हम इतना फूड खाते हैं। नहीं बाबा, मैं जो भी खाना बनाती हूँ मैक्सिमम मेरी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के यहाँ भेजती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ। इसीलिए मत सोचिए कि हम लोग बस इतना खाना खाते हैं। मुझे हम दोनों हैं पर मुझे डबल क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपने सासू माँ के घर भेजना पड़ता है उन दोनों के लिए। तो आप लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो चुका होगा। अभी चलते हैं लंच की तैयारियां करने। अभी मैंने 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं जाकर कोकोनट लेकर आई। मैं इसके अभी छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी और पीस करके राइस चावल के साथ मिक्स कर कर ग्राइंड करूंगी। बी विथ मी। लंच शेड्यूल पूरा बिजी था। अब 5 बज रहे हैं, लंच तो खत्म हो गया। पता नहीं कुछ दिनों से क्यों वाटर बॉटल से कैसा पानी पीने से कैसे स्मेल आ रहा था। इसीलिए मैंने प्यूरीफायर वाले को बुलाया था उसे सर्विसिंग करवाने के लिए। तो वो आके चेक किया तो वो बोला कि धूप हमारे खिड़की से धूप डायरेक्ट एक्वागार्ड पे पड़ता है, इसीलिए उसके अंदर सीउली जैसा कुछ ग्रीन ग्रीन जैसा हो जाता है ना, वैसा कुछ हो गया है, इसीलिए पानी स्मेल हो रहा है। इसीलिए उसे नींबू से अच्छी तरह साफ किया। बस अभी हो गया। और प्लम्बर को भी मैंने बुलाया था, अभी तक वो आया नहीं। सोच रही हूँ रुकूँ या चली जाऊँ। कब से सारे काम स्पेंडिंग है, आज ही सब एक 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 करके सब खत्म हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रही हूँ मैं स्टोर के लिए चले जाऊंगी, अगर वो आएगा तो फिर से वो या मैं कोई भी आ जाएंगे। बाय। जब भी आप लोग याद रखिएगा आज का मेरा एक टिप, जब भी प्यूरीफायर को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। अगर होगा तो भी उसे उसका ढक्कन होता है उसे निकाल कर उसका बॉडी को अच्छी तरह से नींबू से वॉश कर लीजिए, 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर एक बार पूरी तरह से वाटर फिल करके उसे पूरी तरह ड्रेन आउट कर दीजिए, उसके बाद आप वाटर यूज़ कीजिए। आप लोग चेक इन हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। मैंने पॉकेट से पैसे गिन दिया दे दिया, आप लोग वो मत कीजिए। इसी आप चेक इन हो जाइए, मुफ्त में सलाह मिल रहा है, कभी तो काम में आएगा, किसी का तो काम में आएगा। ठीक है, बाय। तो मैं तो निकल रही हूँ स्टोर के लिए, पर मैं बहुत आज थक चुकी हूँ। इधर उधर बैंक का काम, प्यूरीफायर वाला आया, फिर लंच, फिर बच्चे को लाकर जाकर लाना, बहुत। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलता है।